हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, ये लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अवैध कॉलोनियों को दिल्ली में मालिकाना हक मिल सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसके साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, DDA PM UDAY योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और इसके तहत आप जो हैं दिल्ली में अवैध मकान फ्लैट का मालिकाना हक ले सकते हैं। दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत मालिकाना हक देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है। यह सरकारी योजना उन लोगों के लिए है जो राजधानी दिल्ली में अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। प्रधानमंत्री उदय योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वे अपने घरों के लिए मालिकाना हक ले सकते हैं, यानी मकान की रजिस्ट्री के लिए PM उदय योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया था, परंतु अब इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा dilli.ncog.gov.in पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। DDA प्रधानमंत्री उदय योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लोगों से बहुत ही मामूली शुल्क लिया जाता है, जिसके बाद रजिस्ट्री के कागजात उनको सौंप दिए जाते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि अवैध कॉलोनियां हमेशा से ही चुनावों का मुद्दा रही हैं। तो दोस्तों, जब तक किसी मकान के रजिस्ट्री के कागज नहीं होते तब तक उस पर बैंक से लोन नहीं लिया जा सकता। DDA प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म कर मालिकाना हक प्राप्त कर लेने के बाद बैंक से लोन भी आसानी से लिया जा सकता है। दिल्ली PM उदय योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 2020, उसके लिए अब जो है dilli.ncog.gov.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ अपनी पूरी जानकारी जो है दोस्तों डाल सकते हैं, अपनी जगह की पूरी जानकारी डाल सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रक्रिया बहुत ही आसान है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो ये किसी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी आप इसको कर सकते हैं। 100 गज तक के प्लाट पर मुश्किल से 5,000 रुपये से भी कम का रजिस्ट्री शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। जैसे कि अगर सर्कल रेट के अनुसार देखा जाए तो 20,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर वाले एरिया में एक प्लाट पर 4 फ्लैट बने हैं तो 5,000 रुपये 4 फ्लैटों में बंट जाएंगे। अवैध फ्लैट और मकान के रजिस्ट्रेशन को कई सालों से दिल्ली की सत्ता में सरकारों ने लटका कर रखा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसे हरी झंडी दिखा दी है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप भी अगर किसी अवैध मकान या अवैध कॉलोनी में हैं और उसका मालिकाना हक लेना चाहते हैं दिल्ली में और मिल सकता है, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिले।